प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सीएम अखिलेश यादव ने बांटे समाजवादी पेंशन के चेक, बीजेपी पर बोला हमला, कहा जो सरकार जनता को दुख देती है उसे जनता सिखाती है सबक। एसी मीडियम की कटाई और एफआईआर के विरोध में सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रदेश के सभी पीसीएस अधिकारी। पीसीएस एसोसिएशन ने अभियुक्त की गिरफ्तारी और एसएसपी लखनऊ के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। आर्मी चीफ की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा 33 साल बाद भी नहीं रखा गया सेना प्रमुख की नियुक्ति में सीनियरिटी का ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को बनाया गया थल सेना प्रमुख। बीएस धनोआ संभालेंगे वायुसेना प्रमुख की कमान। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज शाम 4:30 बजे होगी पार्टी की बैठक। टिकट बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। कटघरे में कानून जी। लखनऊ कलेक्ट्रेट में पीसीएस अधिकारियों के साथ वकीलों ने जो मारपीट की है उसके बाद ये सवाल उठाना लाजमी हो गया। वकील और पीसीएस अधिकारी की मामूली सी बात पर हुए विवाद में लखनऊ के वकील इतने भड़क गए कि झगड़े का बीच बचाव करने आए दूसरे पीसीएस अधिकारियों की जमकर धुनाई कर डाली। वकीलों ने इतनी बुरी तरह पीसीएस अधिकारियों को पीटा कि उनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं और एक एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट अनिल मिश्रा का तो हाथ तक टूट गया है। वकीलों के भड़कने और फिर बुरी तरह मारपीट करने का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन जब कानून के रक्षक ही कानून को ताक पर रख देंगे तो फिर सिस्टम काम कैसे करेगा, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। बहरहाल, इस ताजा प्रकरण से गुस्साए लखनऊ के पीसीएस अधिकारी हड़ताल पर चले गए और दोषी वकीलों और लखनऊ एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोमवार से पूरे यूपी के पीसीएस अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कानून बनाने वाले अगर कानून तोड़े तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? राज्य सरकार ऐसी घटनाओं पर अपनी भूमिका कैसे निभाए, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वोट तो उन्हें हर खेमे से लेना होता है। बहस की शुरुआत करें, आइए उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। वकीलों और पीसीएस अधिकारियों में हुई मारपीट। हड़ताल पर गए लखनऊ के पीसीएस अधिकारी। सोमवार से राज्य भर के पीसीएस अधिकारी करेंगे हड़ताल। पीसीएस अधिकारियों ने की वकीलों पर कार्रवाई की मांग। लखनऊ में अगर आप कोई जमीन या घर खरीदना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो फिलहाल इनमें से कोई भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि लखनऊ में कलेक्ट्रेट के अधिकारी और कर्मचारी सभी हड़ताल पर चले गए हैं। लखनऊ के पीसीएस अधिकारियों ने कहा है कि अगर उनके साथ भी मारपीट का मामला सुलझा नहीं तो वो लोग प्रशासन का सारा काम ठप कर देंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में वकीलों और कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई थी। कुछ वकीलों का झगड़ा एक कर्मचारी के साथ हुआ था, लेकिन जब अधिकारियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो वकीलों ने उन्हें भी पीट दिया। इसमें एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट अनिल मिश्रा का हाथ टूट गया और उनके साथ ही एडीएम जयशंकर दुबे को भी चोट आई। मौके पर पुलिस पहुंची लेकिन मारपीट करने वाले वकीलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्योंकि उनके साथ ही वकीलों को जबरदस्ती छुड़ा ले गए। इसके बाद पीसीएस अधिकारियों ने हड़ताल कर दी। सरकार ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन फिलहाल मामला संभलता नहीं दिख रहा है। इस मुद्दे पर यूपी पीसीएस एसोसिएशन ने वकीलों की तुरंत गिरफ्तारी और लखनऊ एसएसपी को निलंबित करने की मांग की है। यूपी पीसीएस एसोसिएशन ने बैठक करके सोमवार 29 दिसंबर से प्रदेश व्यापी बेमियादी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, प्राइम न्यूज।
कानून के रखवाले ही जब इस तरीके से काम करेंगे तो वाकई कानून पर सवाल उठते हैं और उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल मौजूदा सरकार पर भी उठते हैं कि आखिर सिस्टम में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं। हीरा ठाकुर हैं सपा से, चंद्रभूषण पांडे हैं बीजेपी से जो कि एक्स पीसीएस अधिकारी भी हैं, और शैलेंद्र तिवारी हैं कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चंद्रभूषण जी आपके पास ही आऊंगा, किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखते हैं, कहां लगता है कि किसकी गलती है, चूक कहां हुई है और जरा सी बात इतनी कैसे बढ़ गई और अब कैसे संभलेगी? कहीं ना कहीं से इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती रही हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रुक नहीं रही हैं जी, और ये पूर्ण रूप से राज्य सरकार की विफलता है। कानून और व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में ऐसे वरिष्ठ अधिकारी और वकीलों के बीच में इतने गंभीर विवाद होते हैं, हाथ पैर टूटते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। और हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय भी है और डीजीपी की ऑफिस भी वहां से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर है, और इन सारी परिस्थितियों में पूरा प्रशासन पैरालाइज्ड सा दिखता है। और आज जो पीसीएस अधिकारी हड़ताल की बात करते हैं, कल उन्होंने अपनी बैठक की, हड़ताल की घोषणा की, तो थोड़ा बहुत अभी भी कोई बहुत उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से प्रशासनिक अराजकता है। मैं मानता हूं अराजकता एक अलग सवाल है, लेकिन क्योंकि आप एक्स पीसीएस अधिकारी भी हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर यहां पर आपको गलती किसकी नजर आ रही है? वकीलों की गलती दिख रही है या पीसीएस जो अधिकारी है उनकी गलती है? नहीं, मैंने जो जानकारी अपने स्तर पर की है तो मुझे समझ में आया कि जो लिपिक से विवाद थे वो हो सकते हैं कि विवाद में कुछ तथ्य रहे हों, लेकिन बीच बचाव करने जो अधिकारी आए उनके साथ जो मारपीट हुई वो अधिकारियों की छवि बहुत अच्छी है लखनऊ में और बहुत साफ सुथरे, बहुत ही सुशील और शीर्ष अधिकारी के रूप में माने जाते हैं, और उनके साथ मारपीट होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, और कहीं न कहीं से इसमें पुलिस अगर सक्रिय रहती, तत्पर रहती तो ये चीजें बिगड़ ना पाती, बिगड़ती नहीं। हीरा ठाकुर मेरे साथ जुड़े हैं जी, मौजूदा सरकार हीरा ठाकुर जी आप ही की ही है, क्या करेंगे? कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही सरकार कटघरे में है, अब कानून को चलाने वाले कटघरे में आ गए हैं, क्या कहें? राज्य का जो पूरा का पूरा मामला है कानून का, वो राज्य सरकार के पास है। ऐसे में हर रोज आए दिन घटनाएं होना, और अब इस तरीके के जो इंटेलेक्चुअल क्लास लोग जो कहे जाते हैं उनके बीच में इन घटनाओं का होना और हड़ताल का हो जाना, और कल से जब पूरा प्रदेश हड़ताल पे चला जाएगा पीसीएस अधिकारियों का, तो पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो चरमरा जाएगा, उस पर क्या करेंगे, कैसे अंकुश लगेगा? मेरा तो ये कहना है जी कि जो हमारे पीसीएस अधिकारी है और जो हमारे वकील है, मैं समझता हूँ दोनों बुद्धिजीवी की श्रेणी में है और दोनों बहुत परिपक्व होते हैं। और इस तरीके की घटना अगर है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण तो है, सरकार का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी तो निंदा सभी करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी ही क्यों? आपकी पुलिस जहां परीक्षार्थियों पर तो लाठी भांजती है, उनको हिरासत में ले लेती है, ऐसे जहां पर संजीदा माहौल है, वहां पर पूरा सेंसिटिव वहां पर एटमॉस्फेयर होता है, वहां पर पुलिस चौकन्ना होती है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठती है। रजा साहब मेरी तो बात सुन ले, मुझे भी कहने दीजिए। और जब इस तरीके की घटना घटी और जो ही सरकार को इसकी जानकारी हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच के लिए आदेश दे दिए, और जांच में जो तथ्य सामने आए देंगे, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार तो यही कर सकती है, बगैर किसी के दोष सिद्ध हुए किसी को सजा तो नहीं दे सकती। जी, पुलिस प्रशासन आपका है, आप ये देखे ना, इस तरीके की अगर कोई अप्रिय घटना उस जगह हो जाती तो उसको कैसे काबू में करते आप? आप ये कैसे कह दिया कि पुलिस ही हमारी है? हमारे पीसीएस अधिकारी भी हमारे हैं, ऐसा नहीं, हमारे पीसीएस अधिकारी भी हमारे हैं। तो फिर ये नजारा क्यों कि पुलिस के, फिर ये नजारा क्यों देखने को मिला है? तो हीरा जी, सवाल तो यही है, जनता भी आप ही की है, सरकार भी आपका ही है, मुद्दा भी आपका ही है, सवाल भी आपसे है और जवाब भी आप ही से मांगना है।
मैंने इसीलिए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच का आदेश दे दिया है, जांच आने पर जो उसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे सरकार सीधे इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। शैलेंद्र जी क्या कहें, कोई घटना हो जाए, घटना के बाद उस पर दुख प्रकट कर दिया जाए, जांच बैठा दी जाए, क्या जब तीर कमान से निकल जाता उसके बाद लीपापोती की जाए? उससे पहले क्या कोई भी चीज हमारे कसबस में नहीं रहती? उस घटना को कम किया जा सकता था, रोका जा सकता था। अब जो आक्रोश दिख रहा है पीसीएस अधिकारियों में, आखिरकार उसका जो खामियाजा है वो प्रदेश की जनता भुगतेगी? मारू भाई, पहले तो मैं इस घटना की भरसक निंदा करता हूं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से जो है प्रदेश में जो अराजकता फैलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस घटना की निंदा करता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, समस्या ये नहीं, समस्या है क्रिया की प्रतिक्रिया। और दुष्यंत कुमार की एक लाइन है, मैं उसको ज्यादा नहीं कहूंगा, ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। तो ये जो सूरत है, जो ये सूरत पर वार है, वो ऐसा क्यों हुआ? जांच का विषय ये है कि वो जो घटना हुई उस घटना पे इस तरीके का वाकया क्यों हो गया, जांच का विषय ये है। और मेरा अपना ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर काम रुका तो जनता इस पे सफर करेगी, काम जनता का सफर होगा। देखिए, वकील और अधिकारी अपना काम कैसे करेंगे ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जनता का जो काम है वो रुक जाएगा, जनता सफर करेगी। सिर्फ ये कहना है कि इन दो जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह की ये घटना आए दिन वकीलों की या अधिकारियों की या जो हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही है। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार पे जो अंकुश होना चाहिए, उस वो जो निरंकुश लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, अंकुश कौन लगाएगा उस पर? जो भी लोग हैं, सब है, कहीं ना कहीं कौन लगाएगा? कोई बाहर का व्यक्ति आके लगाएगा? मुख्यमंत्री जी लगाएंगे, जिनकी सरकार है वो लगाएंगे, जो सरकार में है वो लगाएंगे, या जिनके पास इस चीज का अधिकार है वो करेंगे। क्योंकि देखिए, घर चलाना या सरकार चलाना मुखिया की जिम्मेदारी होती है, ना कि किसी और पे इसको आप टाल सकते हैं। जो भी बातें हैं वो कुल मिलाकर के सीधे सीधे यही कहना है। आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं क्रिया भी आपके पास आ रहा हूं, सवाल आप ही से है ज्यादा और उंगलियां भी ज्यादा आप पर उठेंगी। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले सिद्धार्थनगर के बासी में भी ये घटना हुई है, उसके बावजूद भी किसी तरीके के की कोई अलर्टनेस नहीं दिखाई गई, कोई ऐसा चाक चौबंद व्यवस्था नहीं की गई कि कम से कम एक घटना हो जाने के बाद कहीं ना कहीं एक सबक लेना चाहिए ताकि ऐसी घटना फिर भविष्य में ना हो। लेकिन बैक टू बैक घटनाएं हो रही है, एक सिलसिला सा शुरू हो चुका है। हीरा जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है हीरा जी आप तक? ये आप जो घटनाएं गिना रहे, जी आ गई आवाज आ गई। जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है। और ये भी जो घटना है, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि इसमें करप्शन है, लेकिन मेरा अपना मानना है, जैसा कि अखबार वालों ने लिखा है, मैं तो वहां घटना स्थल पे गया नहीं। और जिन अधिकारियों की बात हो रही है, मैं तो ये मानता हूं कि पीसीएस अधिकारी बड़े पैमाने पर बड़े सभ्य और सभ्यता और बड़े जनता के बीच में उनका एक बहुत अच्छा रोल रहता है, तो करप्शन की तो बात नहीं। मेरा तो यह मानना है कि वो जैसा कि बता रहे हैं, पेपर बता रहा है कि वो छुड़ाने गए, वहां इस तरह की घटना घटी, ये निंदनीय है। लेकिन ये कह देना इसके बीच में करप्शन है, तो ये तो मुझे पता नहीं। करप्शन अगर मालूम है हमारे साथी को तो बता दें, तो शायद उसका भी संज्ञान ले लिया जाए। शैलेंद्र जी, किस तरीके करप्शन की आपको बू आती है, किस तरीके का करप्शन आपको नजर आता है? देखिए, इस देश में खाता ना वही जो बाबू कहे वो सही, ये बिल्कुल एकदम आप मान के चलिए कि एकदम प्रथा है। अब हम मैं इस पे किस आदमी को आइडेंटिटी करूं, किसको खड़ा करूं? खड़ा करना काम मेरा नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। सवाल ये मसला खड़ा हो गया है, इस मसले का समाधान करने के पीछे कोई पुख्ता जमीन होगी, कोई ठोस एविडेंस आपके पास होंगे? देखिए, आरोप के नाम पर सिर्फ आरोप लगा करके चला जाना, ये टच एंड गो वाली पॉलिसी है। आरोप लगाइए लेकिन आधार के साथ। नहीं, मारूफ जी,
मारूफ जी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये पूरी पुख्ता उसके साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कि वहाँ पर जो बातें हुई हैं, जो विवाद हुआ है उसके पीछे किसने किया है, कौन कर रहा है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ उसके पीछे करप्शन का ही मसला है। तो कांग्रेस क्या करने जा रही है आज की तारीख में? बड़ा करप्शन है। मान लीजिए आपकी जिम्मेदारी है, एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, आप किस तरीके की जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं? मुद्दा खड़ा हो गया, मुद्दा बढ़ रहा है, हम कल और कांग्रेस इस पे सीबीसीआईडी की जांच की मांग करती है। अच्छा चंद्रभूषण जी, आप जांच की जाए, राष्ट्रीय पार्टी के नेता भी है, एक्स आईपीएस भी है और ताजा जो मुद्दे से अच्छी तरीके से अवगत भी है, क्या आपको भी लगता है कि इस पूरी मारपीट के प्रकरण में कहीं ना कहीं करप्शन छुपा है? देखिए कहीं न कहीं से इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ऐसा सलन जी कह रहे हैं और भी जगहों पे चर्चा है। रही बात तथ्यात्मक रूप से, मैंने इसकी पुष्टि नहीं किया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि कहीं उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल है। जो भी लोग दबंग किस्म के लोग हैं, चाहे किसी भी पेशे में है, वो अराजकता फैला रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग वो जहां भी हैं। तो आज जरूरत यह है पुलिस की, इतनी धौ इसकी एक प्रभाव होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए कि राजधानी में मुख्यमंत्री के घर से 3 किलोमीटर दूर जी किसी मजिस्ट्रेट के ऊपर कोई हमला होता है और पुलिस हिम्मत नहीं कर पाती उसमें हस्तक्षेप करने की। पुलिस थी वहां पर, बिल्कुल आप सोच सकते हैं, कोई भी जो मजिस्ट्रेट की ऑफिस होती है वहां एक दो पुलिस हमेशा रहती है। बिल्कुल, तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार का एक धौंस दिखनी चाहिए, सरकार की एक ताकत दिखनी चाहिए, एक प्रभाव दिखना चाहिए, उस दृष्टि से सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। हीरा जी क्या कहेंगे, वो उत्तर प्रदेश पुलिस की हनक, वो धमक, वो छाप नजर नहीं आ रही, वो तेज तर्रार छवि नहीं दिखाई दे रही, लचर थी जिसकी वजह से ये घटना जो है अंजाम तक पहुंची? देखिए इसमें दो बातें खुल के आई है, एक तो इशारों में कहीं न कहीं ये कहना है कि जिन लोगों से विवाद हुआ वो बाहुबली थे, ये कहना इनका है, और उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही, तो दोनों बातें बड़ी संदिग्ध हैं। मेरा तो कहना है अगर जो लोग बाहुबली थे और उसमें कहीं भ्रष्टाचार की बू है वो भी स्पष्ट हो जाएगी, वो भी जांच का विषय जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो सारे घटना घटी है, पीसीएस अधिकारी निंदा करता है और ये बड़ी संघर्षकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए, उनको राजी करने के लिए, वापस स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए सरकार क्या पहल कर रही है? देखिए सरकार तो उनके पक्ष में खड़ी है, ऐसा नहीं कि सरकार उनके पक्ष में नहीं खड़ी है, सरकार उनके पक्ष में खड़ी है, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं लेकिन कल से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उसको कैसे करेंगे आप? देखिए ऐसा है मारू भाई, मेरा अपना एक मानना है कि इस मसले पर हड़ताल शुरू होगी या नहीं होगी, उससे पहले सबसे पहले सारे काम को प्रायोरिटी देने से पहले इस काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस पे अधिकारियों को तुरंत बैठ करके सीएम साहब को उनको बुला करके इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है, इसमें जनता सफर करेगी। मेरा यहाँ से आपके सिस्टम चरमरा जाएगा और ये बताना भी सिस्टम है, चल कि है सफर तो करेगी नजर रखेगी, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप समझ रहे कि ये वो लोग हैं जो पूरे सिस्टम को रन करते हैं। चंद्रभूषण जी भली भांति इस चीज को समझ भी रहे होंगे और इसका एहसास भी उनको होगा। चंद्रभूषण जी देखिए दोनों ही कहीं ना कहीं से, देखिए आज सरकार को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए और सरकार की गंभीरता कहीं से दिख नहीं रही है। मैं देख रहा हूँ पिछले दो दिनों से लगभग 48 घंटे होने को जा रहा है इस पूरी घटना को, और इस पूरे घटनाक्रम पे अभी कोई जिम्मेदारीपूर्ण बयान या जिम्मेदारीपूर्ण कोई एक्टिविटी सरकार की दिख नहीं रही है। और ऐसा नहीं पीसीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश में कभी हड़ताल की धमकी नहीं देते रहे, कोई इतिहास नहीं है ऐसा। जी जी जी, ये पहली बार अधिकारी इस स्तर की धमकी देने को विवश हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको निराशा है, कहीं ना कहीं उनको वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप मथुरा में देखे होंगे कि मथुरा में कैसे पुलिस वालों के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन के लोग असुरक्षित है और कुछ मुठ्ठी भर माफिया और सरकार में संरक्षण प्राप्त है, तो उनसे खतरा है। रही बात वकील समाज में, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बहुत साफ सुथरा है और विधि सम्मत तरीके से न्यायालयों में काम करता है,
होता है, सरकार की जिम्मेदारी यह होती है कैसे आपराधिक तत्वों को चिन्हित करे और उनके विरुद्ध आईपीसी सीआरपीसी को काम करने दे। सरकार का काम है नहीं गलत लोगों को संरक्षण दे, और इसमें सरकार को खुल करके सामने आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी जी हीरा जी, सवाल वही घूम फिर के आपके पास आ रहा है कि कुल मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरीके के सिस्टम को खराब करते हैं। हम जनरलाइज नहीं कर रहे, हम सारे वकीलों को नहीं कह रहे कि सब खराब होते हैं, उनमें काफी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जिस संरक्षण की बात चंद्रभूषण जी कर रहे हैं, जिस संरक्षण की बात शैलेंद्र जी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सियासी संरक्षण चुनिंदा लोगों को मुट्ठी भर लोगों को मिला है वो इस तरीके के असामाजिक तत्व है जो समाज के सिस्टम को बिगाड़ते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं क्योंकि कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त थे और आज भी बड़ी व्यस्तता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने संज्ञान में लिया है और निश्चित तौर से उनको न्याय मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और निश्चित तौर से एक घटना शर्मनाक है, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ, साथ में निश्चित तौर से मैं व्यक्तिगत पीसीएस अधिकारियों की इसलिए तारीफ करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में नहीं देश के छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़े बड़े काम बड़े तन्मयता से करते हैं और बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं जिनमें इस तरीके की कभी कोई घटना या इस तरीके की वार्ता देखी जाए कुछ, क्योंकि वो खुद ही बहुत शर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन जी जिस तरीके से पीसीएस अधिकारियों की जो मांगे हैं, जो दोषी वकील है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, दूसरा उन्होंने लखनऊ के एसएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। देखिए मारू जी, एक बात समझिए, दोषी आपका जो प्रश्न सीधा सीधा है कि दोषी वकील हैं, मैं एक बात कहता हूँ, यदि आपको मुझसे झगड़ा करना है तो मुझे मैं लड़ूंगा तभी झगड़ा होगा, अन्यथा झगड़ा नहीं होता। बिल्कुल, तो झगड़ा तो दोनों पक्षों में हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पक्ष तो दोनों ही हैं, लेकिन सिर्फ मामला यह है कि ये जो आपसी समन्वय बनाने की बात मैंने कही वो इसलिए नहीं कही कि हमको किसी पक्ष से कोई लगाव है, वो इसलिए कही कि हमें जनता से लगाव है, जनता कहीं सफर न करे, आम आवाम कहीं सफर न करे, इसलिए इस मामले में मुख्यमंत्री जी को सीधे हस्तक्षेप करके तत्काल प्रभाव से इस मामले को पदच्छेद करना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। चंद्रभूषण जी, क्या आपको लगता है कि अभी हमारे पास समय बहुत कम बचा है, तकरीबन आधे से ज्यादा दिन निकल गया है और कल से अनिश्चितकालीन धरने की जो है वो चेतावनी दी गई है, क्या लगता है कि कल सुबह होने से पहले इस पर विराम लग जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पटरी पर आ जाएगा? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है और इतना समय बीत जाने के बाद अभी तक जो है सरकार के जो गृह मंत्रालय संभाल रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी रिएक्शन स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। अभी एक प्रोग्राम में भी, एक चैनल के प्रोग्राम में वो थे, वहां भी इस विषय पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, जबकि बहुत गंभीर विषय है और राजधानी में एक तरह की अराजकता का माहौल है। मुझे कोई भरोसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि सरकार जो है छोड़ दी है, जैसे जंगल राज जैसा माहौल है यहाँ पे कि जो भारी पड़ेगा वो सर्वाइव करेगा जी। तो मुझे कोई आशा नहीं दिखती अभी तक। चाहता हूँ कि आप हालांकि आश्वासन दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन समय बहुत कम है और अभी तक उस तरीके से वो प्रतिक्रिया, वो रिएक्शन होता नजर नहीं आया सरकार की तरफ से जो होना चाहिए था, जिसकी दरकार है। देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि जैसा कि हमारे साथी ने अभी ये बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो पीसीएस अधिकारी के अपने यूनियन के जो प्रेसिडेंट है और वकील संघ के जो प्रेसिडेंट है, ये मुख्यमंत्री जी से वार्ता करें और इस मामले को सॉर्ट आउट करें, इसलिए चूंकि इसमें गरीब से गरीब तो बहुत कुछ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। व्यवस्था जो है और लेकिन जहाँ भी कार्यक्रम में जा रहे हैं उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर चिंता का इजहार नहीं किया। निश्चित तौर मैं आप भरोसा रखिए कि इस पर निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। मारूफ जी, जी जी मारूफ जी, मारूफ जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने इस विषय पे कोई बात नहीं कराई, लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम आपने इस बात को, इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया और आपके माध्यम से ये भी मुद्दा होगा कि ये कल तक इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए, नहीं तो आम आवाम जो है वो परेशान होगी
क्योंकि मुख्यमंत्री जी वास्तव में व्यस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यस्तता के होते हुए भी उनको इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी उसी व्यस्तता में एक महत्वपूर्ण कार्य है। नहीं तो ये जो जिस तरह की चीजें बनकर तैयार हुई है, जो कानून व्यवस्था है, इससे पहले मुख्यमंत्री हर छोटे बड़े मुद्दे को जनता तक पहुंचाए, उसकी आवाज बन करके खड़े हो। नहीं नहीं, मैंने आपको बधाई दी, धन्यवाद खड़ा करना, आपने इस मुद्दे के समाधान तक पहुंचना हमारी टैगलाइन ही यही है, क्योंकि सच जरूरी है, इसलिए मुद्दा उठाया है और हमारी कोशिश है कि ये आवाज सरकार जो है सरकार के कानून तक जाए और इसका समाधान निकाले। से झगड़ा हुआ, वकीलों का झगड़ा हुआ और सरकार चली गई। मारूम जी, आपको याद होगा पिछली बार इससे पहले जो है ऐसा हो चुका है, वकीलों वर्सेस अधिकारियों में झगड़ा हुआ और सरकार चली गई थी, वही वक्त है ये। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा से नहीं सुलझा तो इसका आवाज है बहुत दूर तक जाएगी, आपकी विदाई तय है। जी जी, बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं है शरण जी आपका, चंद्रभूषण जी आपका और हीरा ठाकुर जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ा वर्ग अगर इस तरीके से हड़ताल पर चला गया तो प्रदेश की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, और एक बार अगर पटरी उतर गई तो फिर संभलना मुश्किल होगा। चुनाव सामने है, इसलिए सारी चीजें चाक चौबंद करनी जरूरी है वक्त रहते रहते। फिलहाल इतना, देखें प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।